हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वाई वी फूडी में। आज हम बनाने वाले हैं मसाला पफ। जैसे कि दिखने में ही ये एकदम डिलीशियस लग रहा है, तो खाने में तो कितना ही डिलीशियस होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमको चाहिए एक पफ, एक चीज़ का स्लाइस, थोड़ा सॉस, थोड़ा कटा हुआ प्याज, सेव, ग्रीन चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले हम पफ को बीच में से खोलेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट खाने में उतना ही डिलीशियस लगेगा। इसमें अभी हम चीज स्लाइस को हाफ करके बीच में रख देंगे और उसके बाद हम पफ को पहले जैसा बंद कर देंगे और इसको 2 से 5 मिनट तवे पे सेक देंगे। जो टाइम पे वो तवे पे सेक रहा है, वो टाइम पे हम प्याज के अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो क्या होगा ना, जैसे ही हम प्याज को पफ के ऊपर लगाएंगे ना, तो प्याज बेस्वाद सा नहीं लगेगा, चटपटा सा लगेगा, जिससे हमारा पफ जो है वो और डिलीशियस हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो हमारा पफ तैयार हो गया है और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हम इसको 4 पीस में कट कर देंगे। अगर आप चाहे तो जो टाइम पे पफ को आप तवे पे रख के सीख रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देना, तो वो थोड़ा सा बटरी फ्लेवर भी आएगा, जो कि और भी अच्छा लगेगा। तो अभी हमने पफ को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। अभी इसको अच्छे से अरेंज करके ऊपर हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी हमको चारों पफ के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अभी ऊपर हम डालेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने के बाद अभी प्याज को हम चारों टुकड़ों के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। प्याज डाल दिया है, अभी झीनी या एकदम मीठी सेव डाल देंगे। इसमें आप कोई भी चीज़ की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हो। आप पफ के बीच में जब चीज़ स्लाइस डाला है, वो टाइम पे आप मेयोनीज़ भी डाल सकते हो, थोड़ा सा सेजवान चटनी भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से। तो अभी हमारा पफ बनके तैयार हो गया है। So thank you guys.